हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करने आए हैं, मुजफ्फरनगर। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पर आपको खाने पीने के सारे होटल्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ये उसका एक व्यू है और ये यहाँ से ही साइड से ही एंट्रेंस है। आपको ऑटो वगैरह, बैटरी रिक्शा वगैरह आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। चलिए अंदर चलते हैं और इसका एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, इसके साथ में ही ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की प्रीमाइसेस हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। बगल में ही खान पान का बना हुआ है, जैसा मैंने आपको व्यू करवाया। और हम यहाँ पे, ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। पार्किंग फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो आपको ये, हम यहाँ पे एंटर कर गए। पार्किंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्टेशन के ही परिसर में ये पार्किंग सुविधा अवेलेबल है। ये साइड में ये पूरी स्टेशन की बिल्डिंग है, ये न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। ये पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर है। चलिए मैं व्यू करवा देता हूँ। इधर से हम लोग एंटर हुए थे, ये यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। चलिए आगे चलते हैं और इसको, स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। जब हम एंटर करते हैं तो ये साइड में ही बिल्डिंग का पूरा व्यू है, इस स्टेशन की बिल्डिंग का पूरा व्यू है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे और ये इसकी मेन बिल्डिंग है। पार्किंग की फैसिलिटी मैंने आपको बताई थी। चलिए अब आगे चलते हैं और इसको, स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। और ये हम इसकी प्रीमाइसेस में वापस आ गए, स्टेशन की मेन एंट्रेंस की तरफ। जब हम एंटर हुए थे तो इधर से ही आपको बैटरी रिक्शा वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अब इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए हम आपको एंट्रेंस दिखाते हैं इसकी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस में एंटर होते ही आपको साइड में ये बुकिंग ऑफिस मिलेगा। ये मैं इसका पास से भी करवा देता हूँ। ये स्टेशन दो मंजिला है। ये ऊपर का व्यू है इसका, स्टेशन का ये पूरा ऊपर का व्यू है। ये एंट्रेंस हम यहाँ से हुए थे, ये मेन इसका व्यू था। ये इसका मेन बुकिंग कार्यालय है, आरक्षण केंद्र है। यहाँ पे आपको रिजर्व टिकट मिल जाएंगे एक तरफ, एंक्वायरी काउंटर भी इधर ही है। और जब हम थोड़ा सा इधर होते हैं तो इस साइड में आपको अनरिजर्व टिकट अवेलेबल ऑन दिस साइड। सामने LED लगे हुए हैं जो आपको ट्रेन वगैरह की इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए आगे चलते हैं और इसकी मेन एंट्रेंस। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इसके प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ की एंट्रेंस है। चलिए मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर एक है। डस्टबिन रखे हुए हैं। चलिए अब आगे व्यू करवाता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है। ये हम लोग यहाँ से एंटर हुए थे, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ है। जब हम प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ आते हैं तो एंट्रेंस के साथ ही यहाँ खाने पीने की सुविधाओं में आपको चिप्स, बिस्कुट, चाय वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब हम चलो प्लेटफॉर्म नंबर एक को एक्सप्लोर करते हैं और स्टेशन का बारे में आपको कुछ बताते हैं। हम प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ हैं इस वक्त और प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सहारनपुर वाली लाइन है प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ। दो और तीन की तरफ वो दिल्ली वाली लाइन है, दिल्ली देहरादून लाइन ये गई हुई है। चलिए इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ये RPF की चौकी बनी हुई है, ये ऑफिस बना हुआ है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक का ही व्यू है। द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय बना हुआ है, ये वेटिंग हॉल बना हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही अवेलेबल है। वेटिंग हॉल बना हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही अवेलेबल है। ये साफ़ सफाई का यहाँ पे इंतज़ाम तो सही है, वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये मैं एक व्यू करवा दे रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही अवेलेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बताते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास श्रेणी का वेटिंग हॉल भी बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये दुर्घटना राहत के लिए अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये भी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है। यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ पे मुख्य टिकट निरीक्षक का ऑफिस बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ है।
और जो मैंने आपको एंट्रेंस के साथ ही दिखाया था रिजर्वेशन काउंटर की, ये एक एंट्रेंस है, स्टाफ के एंट्रेंस यहाँ से है। ये रहा, ये LED लगे हुए हैं। वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं एक बार चेक करके और बता देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। डस्टबिन भी रखे हुए हैं। खाने पीने का मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमने यहाँ से एंटर, प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ऑफिस भी बना हुआ है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं, महिला कक्ष भी है यहाँ पे। यहाँ पे वेटिंग वगैरह यहाँ पे महिलाएं कर सकती हैं, वेट कर सकती हैं ट्रेन्स का। चलिए ये प्लेटफॉर्म नंबर एक था, चलिए अब दो और तीन की तरफ चलते हैं। चाचा ये एक ही फूड स्टॉल है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म नंबर एक पर यही एक फूड स्टॉल है? और भी तो आज आ रही है। अच्छा आ जा रही है। वाटर बॉटल कितने की बेचते हो आप लोग? पानी की बॉटल कितने की बेचते हो? 15 की बेचते हैं। 15 की। चाय कितने की है? अभी लड़का आ रहा है जो यहाँ काम करता है। अच्छा अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाने पीने में चिप्स क्या क्या अवेलेबल हो जाता है? अच्छा, सारा MRP पे ही बेचते हैं कि MRP से ऊपर बेचते हैं? चलिए जो रेट होगा। थैंक यू अंकल। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ से निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक के एंड में ये पावर कैबिन बना हुआ है मुजफ्फरनगर का, ये मैं आपको एक व्यू करवा दे रहा हूँ। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ जाने के लिए ना तो एस्केलेटर फैसिलिटी अवेलेबल है और ना ही लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अपने चरम पर है, अभी चल रहा है, तो यहाँ पर अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। स्टेयर्स से ही आपको प्लेटफॉर्म नंबर दो की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं स्टेयर्स की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, जो प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ ही अवेलेबल है, यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी अवेलेबल है कि आप अगर यहाँ पे एक दिन के ट्रैवल के लिए आ रहे हो, आपको सामान रखने की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे एक रेट्स तय हैं वो आप यहाँ पे जमा डिपॉजिट करवा सकते हैं। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ चलते हैं। इस साइड से ही इसके स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेयर से हम लोग दो और तीन की तरफ चलते हैं। चलिए लेट्स गो। और ये मेरे साइड में जो प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ है, दिल्ली सहारनपुर लाइन है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं स्टेयर से और स्टेशन की कुछ बात करते हैं। चलिए लेट्स गो। ये हम स्टेयर से प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, मुख्य रूप से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ आदि भारत के प्रमुख शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नई दिल्ली देहरादून लाइन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है ये। मुजफ्फरनगर जो है नई दिल्ली देहरादून लाइन पर एक मेन स्टेशन है। यह उत्तरी फ्रेट कॉरिडोर के मुख्य मार्ग पर भी स्थित है। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तराखंड का सारा माल भी यहीं से होकर गुजरता है, फ्रेट ट्रेन से। चलिए आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ। ये इस स्टेशन की कुछ बात हो गई, चलिए लेट्स गो। ये हम स्टेयर्स से प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ चल रहे हैं। ये साइड से ही प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। अभी हम लोग इस तरफ से आए थे स्टेयर्स से। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स हैं। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है, तो अभी यहाँ पे एस्केलेटर और इन सब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आगे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी फैसिलिटीज़। चलिए अब दो और तीन को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के बीच में हैं। अब इस स्टेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन पे ये LCDs भी लगे हुए हैं और फूड वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कुल मिला के स्टेशन में हर सुविधा अवेलेबल है, किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। वाटर फैसिलिटी दो और तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, पानी की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के इस तरफ आ गए हैं। ये इसका एक व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन का। फूड स्टॉल्स यहाँ पर भी बने हुए हैं, यहाँ पे LCDs भी लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर भी बने हुए हैं। यहाँ पे आपको पैटीज़ और आपको जनता मील वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के बीच में हैं। यहाँ पे दो और तीन की तरफ LCDs वगैरह भी लगे हुए हैं, फूड स्टॉल भी यहाँ पे अवेलेबल है, पानी वगैरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएगी।
बाकी ये एक व्यू है 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर का। ये दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों की ये लाइन गई हुई है। बाकी वो सहारनपुर वाली लाइन जो मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ दिखाई थी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। चलिए अभी स्टेशन की कुछ और बात कर लेते। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकल रहे हैं। यहाँ से निकलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेन हैं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, देहरादून एसी एक्सप्रेस, स्वर्ण मंदिर मेल, देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस और कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। चलिए अब 2 और 3 की तरफ से हम निकलते हैं और अब हम लोग चलते हैं 4 और 5 की तरफ। और ये वाली जो लाइन है 3 नंबर की तरफ, यहाँ इमरजेंसी में दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन्स लगाई जाती हैं। जब इमरजेंसी में किसी ट्रैक पे काम चल रहा है तो इस ट्रैक पे गाड़ियाँ गुजारी जाती हैं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की बात करी जाए तो 4 और 5 में लोडिंग और अनलोडिंग का काम चलता है। चलिए मैं भी वो आपको व्यू करवा के इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। अब हम स्टेयर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं। अब स्टेशन की भव्य इमारत पूर्ण करने में, लगभग ये जो बढ़िया सी इमारत बनी है, बिल्डिंग बनी है, इसको पूरे करने में करीबन 3 साल का टाइम लगा गवर्नमेंट को। पुरानी इमारत वर्ष 1924 में बनाई गई थी और 2019 में इसको ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त मीन्स नई बिल्डिंग बनाने के लिए, ट्रैक बिछाने के लिए, इस पुरानी बिल्डिंग को जो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी उसको ध्वस्त करके फिर नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और अभी यहाँ पे बहुत सारे वर्क होने हैं, जैसे एस्केलेटर की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। चलिए अब हम 4 और 5 की तरफ। ये इसका लास्ट प्लेटफॉर्म है। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताई, यहाँ से एक मेन ट्रेन चलती है गोल्डन टेंपल मेल। इस ट्रेन की हिस्ट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। गोल्डन टेंपल मेल जो बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पेशावर तक चला करती थी, ये सबसे पुरानी ट्रेन है गोल्डन टेंपल मेल, जो आज़ादी से पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये पेशावर तक जाया करती थी, अब ये अमृतसर जंक्शन तक जाया करती है। ये इस ट्रेन का इतिहास है। चलिए आगे चलते हैं। 2 और 3 वो मैंने आपको दिखाया ही था, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का एक व्यू है। 4 और 5 का मेन यूज़ जो होता है लोडिंग अनलोडिंग, जो मालगाड़ियाँ फ्रेट ट्रेन्स होती हैं उसके लिए होता है इस ट्रैक का इस्तेमाल। यहाँ से गाड़ियाँ लोड होती हैं और जब अपने गंतव्य तक जहाँ जहाँ का सामान होता है वहाँ वहाँ तक पहुँचाती हैं। उत्तराखंड का मेन जितना भी सारा सामान है यहीं से गुजरता है, यहीं से होके जाता है। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ से निकलते हैं और इसका ओवरव्यू और एरियल व्यू हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में ही जाके करेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 से निकल रहे हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल के एक जो खाने पीने का काउंटर है वहाँ पर एक थोड़ा सा वहाँ के रेट वगैरह MRP वगैरह पूछ लेंगे और इसका एक एरियल व्यू करके इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। चलिए चलते हैं। हम वापस प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ आ गए हैं। अब स्टेशन का एक एरियल व्यू भी कर लें। इस स्टेशन की ऊँचाई जो है 245.820 मीटर है। प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है। पहला नंबर वो रहा, दूसरा और तीसरा नंबर ये रहा, और चौथा और पांचवा जो मैंने आपको दिखाया था जो फ्रेट ट्रेन से यूज़ के लिए आता है। यहाँ पे 55 ट्रेनों का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ना तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ना ही यहाँ से टर्मिनेट होती है। जोन इसका है नॉर्दर्न रेलवे, डिवीज़न है इसकी दिल्ली। चलिए अब इस यहाँ पे जो एक कैंटीन बनी हुई है या कह लो फूड स्टॉल बना हुआ है उससे थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और सर क्या हाल चाल है? चाय वगैरह किस रेट पे बिक रही है? 10 रुपये की है चाय। और पैटीज़ वगैरह का क्या रेट है? पैटीज़ भी 10 रुपये की है। पैटीज़ भी 10 रुपये की है। कोक वगैरह सब MRP पे, पानी की बॉटल वगैरह जो 15 रुपये में मिलती है वो 15 रुपये वाली है हमारे पास। हाँ, रेल नीर है। चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी कोई असुविधा वगैरह आपको यहाँ पर? असुविधा क्या, काम ही नहीं है इस टाइम तो, अपना टाइम पास कर रहे हैं फिलहाल तो। चलिए चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।